यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। दोस्तों, बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर पॉपॉन म्यूजिक ने अपनी एक हरकत की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। टीवी के लोकप्रिय रियलिटी शो वॉइस ऑफ इंडिया में जज के तौर पर दिखाई देने वाले पॉपॉन ने माइनर कंटेस्टेंट के साथ किस करके विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल पॉपॉन ने अपने फेसबुक पर एक लाइव वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कंटेस्टेंट सिंगर्स के साथ होली के मूड में मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉपॉन ने इस लाइव वीडियो के दौरान एक माइनर कंटेस्टेंट को किस किया। सोशल मीडिया पर पॉपॉन के इस वीडियो पर लोगों ने विरोध जताया है। इसी वीडियो के चलते पॉपॉन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को पॉपॉन की इस हरकत के खिलाफ लेटर लिखा है। इस लेटर में वकील रानो भूयन ने शिकायत करते हुए लिखा है कि मैं हैरान हूं कि सिंगर पॉपॉन महानता से होली का रंग लगाते हुए एक बच्ची को गलत तरीके से किस कर रहे हैं। मैंने वीडियो देखा है, पूरे देश से कई नाबालिग बच्चे इस शो में भाग ले रहे हैं। मैं बच्चों की सेफ्टी और रियलिटी शो को लेकर परेशान हूँ। अंगोलक पापन महंतो, जो ये वॉइस ऑफ इंडिया के रियलिटी शो के बच्चे हैं, उनके साथ दिखा गया है और एक उस वीडियो में दिखा गया है कि अंगोलक पापन महंतो एक माइनर गर्ल को होली का कलर अप्लाई कर रहे हैं और उनको अचानक से ऐसे इनअप्रोप्रिएटली किस कर दिया उसने पापन महंतो ने। एंड वो जो लड़की है उसको दिखा गया, शी इज वेरी अनकम्फर्टेबल। तो ये देख के हमें मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि कैसे आप एक बच्चे के साथ ऐसे इनअप्रोप्रिएटली बिहेव कर सकते हो। और मुझे लगा कि ये जो बच्चे हैं जो रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, इनका सिक्योरिटी और सेफ्टी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो उसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कमीशन में एक कंप्लेंट रुजू किया है पापन महंतो के खिलाफ़।